प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथमे भारत मंडप रे पहुंच सारिछन्ती। तांक सहित वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर मध्य अछन्ती। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल मध्य तांक सहित अछन्ती। प्रधानमंत्री वर्तमान जो अरेंजमेंट हेथिला तार आउ टिके परखि नउछन्ती के जो विश्व नेतृत्व आसिबे, विश्व नेतृत्व आंगरे भारतर सम्मानर कथा रहउछि। तेणु वर्तमान जो अफिसियल माने रहिछन्ती, जो माने भारत मंडपमर दायित्व रहिछन्ती, सब विभागर अधिकारीक सहित प्रधानमंत्री इनफर्माल गुटे आलोचना करछन्ती, देखुछन्ती, परखुछन्ती स्थिति। एवं आउ किसी समय पर बर्तमान 9:07 होगला कमलाकांत, आउ मात्र आम कहीपरि 15 मिनिट पर बर्तमान विश्व नेतृत्व, विश्वर लीडरशिप, विभिन्न राष्ट्रर राष्ट्र मुख्य बर्तमान भारत मंडप में प्रवेश करेंगे। घंटाए समय रही 9:20 रु 10:20 पर्यंत प्रधानमंत्री वेलकम तापर रही 10 मिनिटर कार्यक्रम। ठीक 10:30 रु इवेंट आरंभ हो। सर्वप्रथमे पृथ्वी वन वर्ल्ड जो वन फैमिली मेसेज दे भारत भारत सरकार पक्षर कह वसुधैव कुटुंबकम सारा विश्व गोटे परिवार। तेणु यही एजेंडा ही आज दिन पूरा आलोचना हो। सर्वप्रथमे पृथ्वी उपर आलोचना हो, वन अर्थ, तापर औपचारिक बैठक रही विभिन्न राष्ट्र मुख्य सहित सेक्रेटरी स्तरीय आलोचना रही। परवर्ती पर्यायर जो आफ्टरनून सेसन रही तीनटे गोटे पर सारा विश्व गोटे पर ही आलोचना हो। देखापी चाहिए मुझसे आप देखिपे डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन में बर्तमान मुझे पूर्व मुझको कमलाकांत दीक्षा उपर देखी। बर्तमान जो भाषिनी को लेकिन चर्चा आलोचना होषिनी आप को लेकिन कहीं गोटे लांगुएज बैरियर थिला समस्त भारत बर्ष एमती एक राष्ट्र विभिन्न लांगुएज रही है। जो आपण जी गोटे जिले अगर जिला को जाठी लोकल लांगुएज रही तेणु भाषिनी आप जो आप विषय में कमलाकांत पूर्व आपको कहते से विषय चर्चा आलोचना करवा। सर भाषिनी को लेकर अभी काफी चर्चा हो रहा है, सबकी नजर भी टिका हुआ है भाषिनी के ऊपर। डिजिटल इंडिया ये कन्क्लेव में, G20 कन्क्लेव में क्या मैसेज दे रहे हैं आप पूरे विश्व? हम यही मैसेज दे रहे हैं कि एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना अब आसान है, तो आप अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे आपकी भाषा पढ़नी पड़े, लर्न करनी पड़े ताकि मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकूं। तो आम लोगों को कैसे एक्सेस होगा, कैसे माध्यम? डिजिटल टूल्स हैं, जैसे हमने कई यहाँ पे सॉल्यूशंस यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। तो एक सॉल्यूशन है कि हम स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा कंप्यूटर, मतलब हम भाषिनी के अंडर में 3-4 सर्विसेज देते हैं। एक है कि आप कंप्यूटर हमारी भाषा समझ सके, तो हम अगर 22 लैंग्वेज में, इंडिया की 22 लैंग्वेज में बोल रहे हैं, भारत की 22 लैंग्वेज में, कंप्यूटर उसको समझ सके और उसको ट्रांसलेट कर सके कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में। दूसरी चीज ये है कि हम वो जो टेक्स्ट ट्रांसलेट हो रहा है उसको हम दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो कोई भी 22 लैंग्वेज से 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर, 22 लैंग्वेज संविधान में हमारे जितने लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट कर रहे हैं। हमें अभी स्पीच में हम अभी 14 करते हैं, टेक्स्ट टू टेक्स्ट में हम 22 करते हैं, फिर हम टेक्स्ट टू स्पीच भी सिंथेसाइज कर रहे हैं जो कि हम 14 लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि हम जो बोल रहे हैं वो कंप्यूटर टेक्स्ट में ट्रांसलेट करके अगर आपको किसी दूसरी लैंग्वेज में सुनना है तो वो सुना सकता है। पहले हिंदी और इंग्लिश में पॉसिबल था, लेकिन अभी रीजनल लैंग्वेज में पहले हाँ हिंदी और इंग्लिश में भी, मतलब डिजिटल टूल से अगर हम एक लैंग्वेज करते हैं तो बाकी सारी भी कर सकते हैं। तो वैसा से कमलाकांत आप शुणुले जो गूगल ट्रांसलेट कथा कहा जाए, पूर्व आम जो वॉइस मेसेज किसी दौल ता टाइपिंग हो जाता, तेणु ये निश्चित भाव आम क्षेत्र में खासकर सांबादिकता क्षेत्र में गोटे बहुत बड़ हेल्पफुल जिनस कहे। जो मैंने टीचिंग लाइन में अच्छा खासकर जो शिक्षक मैंने रही, जो मैंने सीबीएसई पैटर्न में पढ़ुंट निज मतृभाषा बुझाप चेषा करते, समय एमती हुए कमलाकांत जो समय गोटे लांगुएज बैरियर हुए, टीचर किसी कौन बुझी नपारे जो आप टेक्सटबुक थोड़ा आप स्कैन कर पीडीएफ फॉर्मेट रे नहीं कि ताकु मध्ये आपण निज रीजनल लैंग्वेज रे कन्वर्ट करके बुझी पारिबे। तो निश्चित भाव गोटे बड़ स्टेप मुझी एनईपी पाई बड़ स्टेप मुझी जो मैंने कार्य कर गोटे लांगुएज बैरियर होता जो मैं निश्चित भाव से गोटे बड़ इनिशिएटिव आपण देखिए। कैमरा पर्सन आदित्य को कहि देखा चेस्टा करेंगे आप देखते पूरा डिजिटल इंडिया को लेकिन ये मुवमेंट या सब कथ को देखा जो डिजिटल लॉकर जो डॉक्यूमेंट प्राइवेसी कथा कह ये हूँ डिजि लॉकर थीम एटी रही है। डिजि लॉकर को लेकिन काफी चर्चा होती, प्रधानमंत्री आप फोकस करते हैं। सर यहाँ पे क्या कैसे एक्सप्लोर करेंगे इसको आप कैसे थोड़ा बताएं? बिल्कुल
सो डिजीलॉकर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट है जो हम इंडियन सिटीजन्स के लिए बनाए हैं, और इस डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट में जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एक आम नागरिक के लाइफ में आता है, वो सारे डॉक्यूमेंट हम लोग डिजिटली सिटीजन के साथ शेयर कर रहे हैं, सो दैट कि उनको फिजिकल कॉपी करने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि पेपर का यूज़ भी मिनिमाइज हो और डॉक्यूमेंट की जो फैब्रिकेशन होती है उसको भी मिनिमाइज किया जा सके किसी हद तक। सो हमारा कंप्लीट एम है कि जितने भी सिटीजन की लाइफ साइकिल में डॉक्यूमेंट आते हैं, चाहे वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हो, कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ हो, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो, आपके इंश्योरेंस के पेपर हो, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल हो, सो दैट कि आपको कहीं पे भी फिजिकल कॉपी कैरी करने की आवश्यकता ना पड़े। और एक सिमिलर फॉर्म में, जैसा कि आपकी लेट्स सपोज फिजिकल कॉपी की वैलिडिटी होती है, वैसे ही आपकी डिजिटल कॉपी की ही उतनी लीगल वैलिडिटी हो, इसलिए डिजी लॉकर के इशूड सेक्शन से जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं वो लीगली वैलिड है एज पर द आईटी एक्ट टू रूल 9A 2000। डाटा प्रोटेक्शन को कितने इसमें अहम दिया जाएगा, क्योंकि मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट हम रखते हैं तो डर लगता है मोबाइल कहीं चोरी हो जाएगा, कोई छीन लेगा, इसको लेकर क्या है? बेसिकली डिजीलॉकर का मेन एम यही है कि जैसे कि अभी प्रकाश ने आपको बताया कि इसकी लीगल वैलिडिटी भी है, तो आपको मोबाइल में अगर आप डिजीलॉकर आप लॉगिन करते हैं और डिजीलॉकर के थ्रू आप कोई भी डॉक्यूमेंट इश्यू डॉक्यूमेंट किसी भी एज अ प्रूफ आप दिखाते हैं, तो उसकी वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बिकॉज वो जैसा अभी प्रकाश ने बताया कि आईटी एक्ट के थ्रू उसको लीगली वैलिड माना गया है, तो आप पेपरलेस लेयर्स को प्रमोट करते हुए डिजीलॉकर को यूज कर सकते हैं। इसमें एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो रहा है, क्योंकि पेपर से बिल्कुल एनवायरमेंट भी कहीं ना कहीं हमारा वो भी है कि एनवायरमेंट की तरफ हम लोग जाएं, ट्री कटिंग को हम लोग कम करें और पेपरलेस को हम लोग प्रमोट करें। दूसरा 2FA ऑथेंटिकेशन है, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा कि डेटा प्रोटेक्शन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें जो डेटा होता है उसकी इंक्रिप्शन होती है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, सो दैट कि डेटा प्रधानमंत्री जो आह्वान देते किभ डिजिटल इंडिया कथा कहत आत्मनिर्भर भारत कथा तार गोटे झलक आज G20 देखापी मिल। बहुत बहुत धन्यवाद गगन विश्वाल नुआदिल्ली।